फनी तूफान भारत पहुंच चुका है। इसके चलते आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को फनी तूफान ओडिशा के तटों से टकरा सकता है। इस दौरान हवाओं की गति 175 से 205 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने बताया कि हालातों को देखते हुए चार राज्यों में एनडीआरएफ की 50 टीमों को भेजा गया है। देखिए, जो सबसे अहम बात है कि डिप्लॉयमेंट हमारा, तो हम लोगों ने प्री पोजिशनिंग जिसको कहते हैं, बहुत समय रहते ही डिप्लॉयमेंट कर लिया है। और अभी जो तादाद है डिप्लॉयमेंट की, वो 50 टीम्स अक्रॉस फोर स्टेट्स है तमिलनाडु को मिला के, जिसमें कि 28 टीमें डिप्लॉयड हैं प्री पोजिशनिंग में उड़ीसा में, 6 टीमें वेस्ट बंगाल में और 8 टीमें आंध्र प्रदेश में। इस तूफान से सबसे ज्यादा खतरा उड़ीसा में है, जिसके लिए राज्य सरकार भी पूरी तरह तैयार है। पर्यटकों को उड़ीसा से वापस जाने की सलाह दी गई है। इसके लिए पूरी से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। सभी ट्रेन कैंसिल की गई है। जिन पैसेंजर का रात 8 बजे के बाद टिकट है, वो पैसेंजर दोपहर के 12 बजे पूरी शनिवार स्पेशल ट्रेन में जा सकते हैं। अब तक 7 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। बात्या रो मुकाबला पाएं, सरकार पूरा प्रस्तुत अच्छा प्रति जीवन आम पाई मूल्य बा शिशु बुढ़ा बुढ़ी विनक्षम बंधु मान स्वतंत्र जत्न ले सरकार को सहयोग करंतु। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वायुसेना, जल सेना और भारतीय तट रक्षक के अलावा एनडीआरएफ ने भी अपनी कमर कस ली है। रियल फोर्ट रिपब्लिक हिंदी। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं।